वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है, इंग्लैंड को हराया है। लड़कियों के लिए आप लोग इंस्पिरेशन बन गए, कैसा लग रहा है? भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, पहली बार वर्ल्ड कप हुआ है तो हम उसमें विनर बने, चैंपियन बने, काफी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए भी और हमारी फैमिली के लिए। अभी अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे, आज इतना भव्य स्वागत हुआ, कल सचिन तेंदुलकर ने खुद आप लोगों को सम्मानित किया, एक कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है सर, सचिन तेंदुलकर बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, उन्होंने स्पीच दी है हमें, काफी प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। अभी आगे के रास्ते खुल गए हैं कहीं ना कहीं, बीसीसीआई जिस तरीके से आप लोगों को अब आगे बढ़ा रहा है, क्या लग रहा है कि एक अच्छा भविष्य है भारत में? जी बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीते तो हमारे लिए आगे के रास्ते भी खुल गए हैं, आईपीएल भी है और वुमेन्स वर्ल्ड कप भी है सीनियर का आगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए एक एक करके ये सभी खिलाड़ियां जो खिलाड़ी हैं ये वापस आ चुकी हैं, और शेफाली वर्मा जो टीम की कप्तान रही और इनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने ये जीत हासिल की है, पहला वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इन्होंने हासिल किया है, और ऐसे में बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, टीम इंडिया के लिए। अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट टीम और भारत की कई करोड़ों लड़कियां जो हैं वो इस समय आप लोगों के एक इंस्पिरेशन के तौर पे देख रही हैं, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की आप लोगों ने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आए हैं और अपने इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के दिया है हम लोगों ने। अभी कल सचिन तेंदुलकर ने आप लोगों को सम्मानित किया, बीसीसीआई लगातार आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है, आगे भविष्य कैसा देख रहे हैं भारत में महिला क्रिकेट? आगे भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा है कि आगे बहुत कुछ बॉयज के इक्वल हो गया, तो बॉयज से और भी अच्छा मतलब सम्मान दिया जाएगा क्रिकेट को भी, गर्ल्स क्रिकेट को भी। वापस से इंडिया आना और इतना सारा सम्मान, लोग वाकई में एक पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक जीत आप लोगों ने दर्ज कराई है, ये फीलिंग कैसी है? बहुत ज़्यादा ही अच्छी फीलिंग हो रही है कि हम लोग इंडिया वापस आए, बहुत टाइम हो गया है, इंडिया का खाना वगैरह बहुत चीज़ें मिस करी है, इंडिया वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। घर जाके सबसे पहले क्या करना है, घर का खाना है या क्या है? घर का खाना खाना है। बहुत आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर जश्न की तस्वीरें हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो भारतीय क्रिकेटर जो T20 वर्ल्ड कप जीती भारतीय महिला की टीम के खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचे हैं, उसके बाद आप जश्न की तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली श्वेता सहरावत की जो फैमिली है वो यहाँ पर है, और श्वेता सहरावत ने अपने बल्ले से 297 रन बनाए थे, जहाँ पे दिल्ली के एयरपोर्ट के, जहां पर सभी खिलाड़ी अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं जो वापस लौटे हैं इंडिया, और इनका जोरदार स्वागत हो रहा है जिस तरह से इन्होंने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया, पहली बार ये जीत हासिल की है, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हासिल किया है अंडर 19 वुमेन क्रिकेट टीम ने, और ऐसे में अब ये टीम वापस भारत लौटी है तो इनका जोरदार स्वागत हो रहा है। महिला अंडर 19 टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। एक एक करके खिलाड़ी बाहर निकल रहे हैं, शेफाली वर्मा जो टीम की कप्तान हैं, इन्होंने इनकी कप्तानी में देखिए शानदार प्रदर्शन यहाँ पर खिलाड़ियों ने किया है, श्वेता सहरावत इन्होंने सबसे ज्यादा रन 297 रन बनाने वाली ये यहाँ पर खिलाड़ी बनी है, और इन्हीं की बदौलत टीम इंडिया को ये बड़ी जीत हासिल हुई है। श्वेता टीम इंडिया की उपकप्तान, राइट हैंड बैटर हैं और शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया। ऋचा घोष ने यहाँ पर कड़ा मुकाबला यहाँ पर
दिया इंग्लैंड को। वैसे तमाम खिलाड़ी हैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की भारतीय टीम ने जो एक गौरवपूर्ण क्षण भारत को दिया है वो वाकई में आज पूरे भारत के लिए खुशी का दिन है। और पिछले एक सप्ताह से लगातार इसको लेकर आयोजन हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उसी टीम के एक खिलाड़ी हैं। पूरी टीम की मेहनत से जो जीत मिली हम बात करते हैं, कैसी एक फीलिंग है भारत वापस आना और इतना स्वागत? बहुत अच्छी फीलिंग है, ये बहुत अच्छी। और कल तो बहुत अच्छा था कि हम सचिन सर से सबसे मिले और ग्राउंड में पूरे ग्राउंड में ट्रॉफी लेके, वो सबसे अच्छा मोमेंट था। अभी क्या लग रहा है कि एक उज्ज्वल भविष्य है भारत में महिलाओं के क्रिकेट को लेके, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीसीसीआई लगातार एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर रहा है, आपको क्या लगता है कि आगे बहुत अच्छा होगा? जी गर्ल्स के लिए बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल रहेगा। आप लोग एक इंस्पिरेशन हो गए हैं बहुत सारी लड़कियों के लिए, और कहीं ना कहीं लड़कियां भी अब एक अपने आप को देख रही कि नहीं हम लोग भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, वो एक फीलिंग कैसी है? फीलिंग तो सर अच्छी है, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करें बस, और उन्हें खिलाएं, सपोर्ट करें, उन्हें पीछे ना रहने दें किसी से। अभी घर जाके सबसे पहला काम क्या होने वाला है? सबसे पहला तो अभी बस फैमिली के साथ रहेंगे और खाना पीना खाएंगे, घर का बहुत दिनों से बाहर है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। खेलना है, जो आप करते आ रहे हो वही हमें परफॉर्म करना है। कल आप अहमदाबाद में स्टेडियम में थी, सचिन तेंदुलकर के साथ थी, तो एक लग रहा था कि सपना पूरा हो रहा है, सचिन तेंदुलकर के साथ आप मैच देख रहे हैं, वो सम्मानित कर रहे हैं। जी सचिन तेंदुलकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है और उन्होंने हमें मतलब सम्मानित करा है सब पूरे पब्लिक के सामने। बहुत क्राउड था, बहुत प्राउड मोमेंट था हमारे लिए कि हम ग्राउंड पे खड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम बेटियों के लिए जो आप लोग को अब आइडियल मांग रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने देश का नाम रोशन किया, अब आप आइडियल हो चुके हैं, तो कितना चैलेंज होगा इस लेगेसी को बनाए रखना? मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी है और लड़कियों को अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, लड़कों से खासकर कम नहीं है, वो उनसे आगे कर सकती हैं बहुत कुछ अगर वो अपने ऊपर भरोसा रखे। तो भरोसा आप पर है, आना आने वाला टाइम T20 का है, उसके लिए क्या तैयारियां हैं और उसके लिए क्या आप प्रेरणा लेंगे और उसके लिए क्या क्या तैयारियां आप शुरू होंगे? अब तैयारियां दुगनी हो जाएंगी क्योंकि अब ये जो जर्नी है वो अभी स्टार्ट हुई है। अब मैं यही कोशिश करूंगी जितनी भी जर्नी जाए वो सारी अच्छी जाए और एंड भी बहुत अच्छा करूँ। तो ये पार्श्वी जो जिन्होंने लेग स्पिन किया एथलीट थी, और एथलीट के बाद शेन वॉन का वीडियो देख कर और ये बॉलर बनी और फाइनल मैच में कहीं ना कहीं अच्छा बॉलिंग करके दो विकेट भी लिया और भारत को एक अच्छी जीत दिलाई। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। जब उतने महान खिलाड़ी आप लोग की बड़ाई कर रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? सर बहुत अच्छा लग रहा था, हमें सभी प्लेयर्स, और हमारा कल मैच भी था बॉयज का, तो सभी प्लेयर्स क्लैप कर रहे थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और यहाँ पर जब जैसे आपने बताया इतना अच्छा स्वागत हुआ, सचिन तेंदुलकर ने स्पीच दी, अब लगता है अब आप लोग में से कोई अगली झूलन गोस्वामी बनेगी? जी जी बिल्कुल बनेगी, कोई अगली हरमनप्रीत बनेगी? जी बिल्कुल, कोशिश तो यही रहेगी, कोशिश क्या करना ही है। और अब सर पे कुछ और नहीं है बल्कि डिफेंस आईपीएल है, तो आप ऑलरेडी एक्साइटेड हैं? जी जी जी, मार्च में ही है वो, तो थोड़ा अब उसके लिए भी प्रिपेयर होना है और अच्छी तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी तैयारी बताते हुए खिलाड़ी यहां पर नजर आए और आगे की क्या इनकी रणनीति है, क्या प्लानिंग है आईपीएल को लेकर, ये अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, मार्च में आईपीएल शुरू होना है और ये सभी खिलाड़ी